भरतपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव हारे रामस्वरूप कोली ने अपनी पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार वे खुलकर सामने आए और अपनी हार के लिए भरतपुर के विधायकों और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोली को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। इतना ही नहीं, कोली ने गुर्जर वोटर्स की नाराजगी के पीछे चुनावों में अवैध खनन के खिलाफ अभियान छेड़ने के कारण बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि वे अवैध खनन करते हैं। रामस्वरूप कोली ने एक इंटरव्यू में अपनी हार और संगठन को लेकर ये बातें कही हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा, मुझे अपने ही संगठन के लोगों ने हरवाया है। मैंने तो हार के कारणों पर जो हमारी समीक्षा बैठक हुई थी उसमें सब बता दिया और लिखकर भी दिया है। रामस्वरूप ने आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि बहादुर सिंह कोली ने खुलकर मेरा विरोध किया, मेरे खिलाफ काम किया। पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोली ने संजना जाटव को कन्यादान दिया है। बहादुर सिंह कोली ने संजना जाटव को जितवाने में मदद की है और बहादुर सिंह ने लोगों से यह कहकर उसको जिताया है कि कन्यादान करना है और कन्यादान के रूप में वोट दिया है। उसने सब लोगों को बोला है कि मेरे पास लोगों के फोन भी आए हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मैंने संगठन को भी बताया है। रामस्वरूप कोली ने कहा कि सचिन पायलट की वजह से नुकसान हुआ। संजना जाटव सचिन पायलट की उम्मीदवार थी, पायलट ने उनके लिए प्रचार किया। कोली ने यह भी कहा कि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को बीजेपी में लेना चाहिए था, उनकी चर्चा चल रही थी। विश्वेंद्र सिंह बीजेपी में आते तो हमें फायदा होता। मुझे लोग कहते थे कि चर्चा चल रही है, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हुआ। हमारे नेता भी ऐसा नहीं चाहते थे कि वे शामिल हों। जाट आरक्षण पर विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर सरकार के प्रयास पर संतोष जताते हुए बयान दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर स्टेटमेंट भी दिया था, उससे भाजपा कार्यकर्ताओं को लगा था कि अब फायदा होगा। कोली ने कहा कि गुर्जर में क्या था कि वे हमारे क्षेत्र में अवैध खनन करते हैं, अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया, बाद में वो बंद हो गया, लेकिन उससे नुकसान हुआ। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को हमने चुनाव तक रुकवा दिया, इसके बावजूद नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री और जवाहर सिंह बेडम ने प्रयास किया कि अवैध खनन में चुनाव तक पकड़ जो है बंद हो गई है, लेकिन जो मशीनें पहले पकड़ी थी उससे नाराजगी बढ़ी। जवाहर सिंह बेडम ने अपने नगर क्षेत्र में प्रयास किया, ये बात अलग है, और हम वहां से भी चुनाव हार गए। गुर्जर वोटों के लिए बेडम ने बयाना, वैडीग नगर और कामा में सब जगह जो है खुलकर प्रयास जो है बेडम ने किए थे। तो फिलहाल जो देखिए, रामस्वरूप कोली की भारी नाराजगी जो है लोकसभा चुनावों में हारने के बाद अपनी ही पार्टी के लोगों की तरफ देखने को मिली है। तो फिलहाल देखिए यह है बीजेपी का हाल, लेकिन देखिए दोस्तों यह है राजनीति, और राजनीति में उठा पटक का दौर तो हमेशा जारी ही रहता है। तो फिलहाल देखिए अभी आगे कुछ क्या होने वाला है वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। पंजाब केसरी राजस्थान के साथ में नमस्कार।